नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर, जो दोनों सेक्टर में स्टॉक है उस स्टॉक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको जेबी केमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर्स का जो स्टॉक था, जेबी केमिकल्स और फार्मा सेक्टर दोनों में था, तो उसके बारे में बताया था। इसमें हम आपको एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, जो कि फार्मा सेक्टर में भी है और आपको केमिकल सेक्टर में भी है। तो दोस्तों उस स्टॉक के ऊपर चलते हैं, तो वो है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, आपको हम टेक्निकल चार्ट पर दिखाएंगे, डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर ये स्टॉक्स काफी ज्यादा रैली किया है। और ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट में आता है तो आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। और जब मार्केट में करेक्शन होगा तो इसमें और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी देख सकते हैं मार्केट हमारा लगातार ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने मिल रहा है। ये हमारा डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 900 के लगभग, और अभी आपको मिल रहा है मात्र 664 रुपीज़ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना नीचे करेक्ट हो चुका है और ज़्यादा करेक्शन देखने इसमें मिल सकता है। अभी ये देख लीजिए 21 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये स्टॉक है, मतलब अभी दिखा रहा है कि ये साइडवेज चल रहा है कुछ दिनों से, मतलब पिछले 10-15 दिनों से ये साइडवेज है स्टॉक। आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो वीकली चार्ट पर देख सकते हैं 21 डीएमए के नीचे चल रहा है स्टॉक, मतलब वीकली चार्ट पर ये स्टॉक जो अपने 21 डीएमए ब्रेक किया है, मतलब आपको स्टॉक में और ज्यादा करेक्शन देखने मिल सकता है अगर यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं लेता है। तो वीकली चार्ट पर ही ये स्टॉक यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 20, 2020 से ये लगातार अपट्रेंड है। उस समय ये स्टॉक मात्र 150 रुपीज का हुआ करता था, मार्च 2020 में जो गिरावट आया था 150 रुपीज से ये 900 तक का रैली किया। दोस्तों आपको कितना का रिटर्न दिया, 6 times, मतलब 600% का रिटर्न दिया। इतना बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने मिला, और वहाँ से देखते हैं 900 से इसमें एक थोड़ा सा शार्प करेक्शन आया, और अभी ये स्टॉक मात्र आपको 664 रुपीज़ पर मिल रहा है। इस तरह से आप इस स्टॉक में देख सकते हैं क्या लेवल्स है और क्या टारगेट है आपके पर्सनल ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, जैसे जैसे ये स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो नीचे के प्राइस पर आपको मिल सकता है, या आप अभी कुछ स्टॉक इसमें बाय कर सकते हैं, कुछ नीचे के प्राइस पर मिलेगा तो उस वहाँ पर बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर बाय करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यही है कि अभी आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है स्टॉक, तो अभी आप इसमें कुछ स्टॉक बाय कर सकते हैं, फिर जैसे करेक्शन आता है तो वहाँ पर बाय करेंगे। तो जैसे जैसे मतलब स्टॉक ऊपर या नीचे मूव करेगा तो हर प्राइस पे आप इसमें एवरेज करते जाएंगे, तो उससे आपको अच्छे लेवल पर स्टॉक जो है आपको एवरेज आउट हो जाएगा, मतलब एवरेज प्राइस जो आपका होगा एक अच्छा प्राइस होगा। तो डेली चार्ट पर हम फिर से चलते हैं, तो डेली चार्ट पर यहाँ पर आप देखते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज है, 21 DMA भी दिखा रहा है कि ये साइडवेज है, और यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है 650 रुपीज़ के प्राइस पर। तो 650 पर लगातार सपोर्ट है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अगर यहां से ऊपर जाता है तो फिर जो भी इन्वेस्टर हैं वो अपना इसमें बाय करते रहें हर लेवल पर, हर प्राइस के लेवल पे। अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जहां पर सपोर्ट लेगा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा। और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें पोजिशन नहीं बनाएंगे, जैसे हाई को ब्रेक करता है तो फिर इसमें हम पोजिशन बनाएंगे। और जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो रियल ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा जस्ट इसके नीचे होगा जब हम ब्रेकआउट पर इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बनाएंगे। तो ये था टेक्निकल चार्ट पर, चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को जानते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। कंपनी फंडामेंटली जब स्ट्रांग होती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, नहीं तो जैसे आरती ड्रग्स है, अभी बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं हायर प्राइस पर, 1000 के प्राइस पर, और 1000 से वो भी स्टॉक जो है 650 रुपीज़ पर आ चुका है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या करें, होल्ड करें, क्या करें, तो इसलिए जब भी आप बाय करते हैं तो स्टॉक लॉस के साथ करें। जैसे अभी आप यहां पर बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आप यहां पर कहे कि ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहां से बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने मिले तो फिर हम नीचे के लेवल पर बाय कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। 150 रुपीज़ का मात्र ये स्टॉक था, वहाँ से 900 गया और वहाँ से फिर से देखते हैं लगातार इसमें करेक्शन देखने मिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इसमें इन्वेस्ट
करनी चाहिए। चलिए कंपनी के फंडामेंटल जान लेते हैं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो जब फंडामेंटल स्ट्रांग होती है किसी भी प्राइस पर बाय कर हम कॉन्फिडेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए जो फंडामेंटल्स है कंपनी का अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी के आने वाले समय में ग्रोथ होनी चाहिए। तो दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में या screener.in पर जाकर कंपनी के फंडामेंटल्स को जान सकते हैं। तो हम जनरली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस इसका अच्छा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन क्लिक करते हैं तो मार्केट कैप है 3,898 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखते हैं 4,000 करोड़ से भी कम है मार्केट कैप। डिविडेंड जो है 30% का देता है, फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.45 है। तो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। ज़्यादा जानना हो तो कॉर्पोरेट टैक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिविडेंड पर जाएंगे तो डिविडेंड कंपनी मात्र 2020 से स्टार्ट ही किया, इसी साल से देना, बोनस कभी नहीं दिया, स्टॉक स्प्लिट कभी नहीं हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल पर क्लिक करके आप कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान सकते हैं, कंपनी का सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्या उसमें ग्रोथ है या नहीं। तो सितंबर 2019 में जो सेल्स था 448 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया सितंबर 2020 में 533 करोड़ का, 533 करोड़। प्रॉफिट वहीं काफ़ी जंप हुआ, 87 करोड़ का था सितंबर 19 में और यहां बढ़ करके हो गया 126 करोड़ का। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। आप एनुअल बेसिस पर क्लिक करके एनुअली देख सकते हैं तो 2016 में माइनस 40 करोड़ का लॉस था, देख सकते हैं 40 करोड़ का लॉस, वहां से 361 करोड़ तक कंपनी एनुअली प्रॉफिट पर पहुंच चुका है। सेल्स भी काफ़ी जंप हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है जो लगातार मतलब सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक करके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जान सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सितंबर 19 में मात्र 42% के आसपास था, जो कि बढ़कर के यहाँ हो गया लगभग 44% के, लगभग 2% अप्रॉक्स 2% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा है प्रमोटर्स का, मतलब जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ देखने आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स खुद इसमें बुलिश है। तो प्रमोटर्स जब खुद बुलिश है तो निश्चित है कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है आने वाले समय में। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट को देख सकते हैं, तो कंपनी का बैलेंस शीट पर आते हैं तो यहाँ स्टैंड लोन बैलेंस शीट आपको नहीं दिखाएगा, अभी कंसोलिडेटेड आपको नहीं दिखा रहा है, तो स्टैंड लोन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम स्टैंड लोन बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। इक्विटी है कंपनी के पास 56 करोड़ का, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 752 करोड़ का है, जो कि लगातार इम्प्रूव हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट जीरो है, तो लगभग कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है। तो यहाँ पर और सारी चीज़ें आप नीचे आकर देख, कैश और कैश इक्विवेलेंट 150 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को रिसर्च करना है, देखना है, तब जाकर आपको इन्वेस्ट करना है। और जो भी ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं, जीरोधा में अकाउंट खोलिए और स्टॉप लॉस के साथ आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।